कतर में भारत सरकार को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को बड़ी राहत। पूर्व नेवी अफसरों की मौत की सजा पर लगी रोक, सजाए मौत को कैद में बदला गया। विदेश मंत्रालय बोला, अपने नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे। कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोपी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बड़ी राहत मिली है। उनकी फांसी की सजा पर अब कतर की अपील अदालत ने रोक लगा दी है। अब सजाए मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने ये फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान भारत के एम्बेसडर अदालत में मौजूद थे। उनके साथ सभी 8 परिवारों के सदस्य भी मौजूद थे। भारत ने इसके लिए स्पेशल काउंसिल नियुक्त किए थे। विदेश मंत्रालय की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई है। पर्सनली आई फील दैट इट इज गुड दैट इट इज गुड दैट द कोर्ट ऑफ अपील्स हैज रिड्यूस्ड देयर सेंटेंसेस एंड आई वुड सिंसियरली होप दैट दे विल नॉट ओनली बी एक्सोनरेटेड बट विल बी रिटर्न्ड होम एट द अर्लीएस्ट इन व्यू ऑफ आवर एक्सलेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स because we have much to gain from each other and we respect the law of the land, the Qatari law, and have full confidence and I'm quite sure that they will allow the Indians to return to India at the earliest possible. And the government of India has already been following it up on a regular basis, and during my own visit to Qatar recently, I saw that generally there is a feeling that relationship with India is also quite important for them, like it is for us. भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े थे और सभी काउंसलर और उनकी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। फैसले की डिटेल्स का इंतजार है, जिसके बाद साफ होगा कि उनकी सजा घटाकर कितने वक्त की जेल की गई है। इसके बाद ही अगले कदम पर विचार किया जाएगा और हम कतर के अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना जारी रखेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए थे। 3 दिसंबर को कतर में मौजूद भारत के एम्बेसडर निपुल ने 8 पूर्व सैनिकों से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने इसकी जानकारी दी थी। मामले में 23 नवंबर को 9 सैनिकों की मौत की सजा के खिलाफ लगाई गई याचिका को कतर की अदालत ने स्वीकार कर लिया था। आपको बता दें कि दुबई में 4 दिसंबर को COP28 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर चीफ रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मिले थे। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था, दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात हुई, मैंने उनसे कतर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के हालचाल जाने। खास बात ये थी कि प्रधानमंत्री ने कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों का सीधा जिक्र करने से परहेज किया था। इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें थी। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और शेख हमाद की मुलाकात की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी। ऐसे में आपको बताते हैं क्या है मामला। जिन 8 भारतीयों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, वे सभी वहां की अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नामक कंपनी में काम करते थे। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं। इन पर जासूसी करने के आरोप थे। इन 8 भारतीयों को अब फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दी गई है। बता दें कि ये सभी पूर्व नेवी अफसर पिछले साल अगस्त से कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने अभी तक इन पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं दी है। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कमांडर पूर्णेंदु तिवारी रिटायर भी शामिल हैं। इन्हें साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।